हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर गणपत फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022, compute his business income. So they are asking you to compute income from business. Okay, here P&L account is given. Okay, net profit is there. Okay, and they have given certain additional information also. Following additional information is given: allowance should be allowable depreciation rupees 10,000. ये depreciation आपको इधर P&L account के debit side में भी दिख जाएगा। ये रहा depreciation 15,000 और यहाँ पे बोला है 10,000. Okay, so what we will do, pay attention. Question solve करने का एक trick होता है, वो trick को follow करोगे तो तुम्हारा question एकदम correctly solve होगा without any सिली मिस्टेक, विदाउट एनी एरर। क्या करना है, सबसे पहले ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करके जो एडजस्टमेंट पॉसिबल है उसको मार्क कर लो। सो ये जो अलाउबल डेप्रिसिएशन 10,000 बोला है ये अलाउड है और ये वाला 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मार्क करता हूँ। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्रॉस मार्क। ओके, और ये अलाउड है, इसको हमने कर दिया टिक मार्क, बट इसको हम लोग UBE के हेडिंग में लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। तो बाजू में लिख के रखो UBE, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, सो दैट ये बाद में भूलेगा नहीं, अदरवाइज भूल जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा तुम्हारे सॉल्यूशन में। ओके, फिर बोला है सेकंड पॉइंट में जनरल एक्सपेंस इंक्लूड फर्नीचर परचेज वर्थ ₹2,500। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट आइटम है, तो ये जनरल एक्सपेंस से इसको हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 8,500 है, इसका अमाउंट का ब्रेकअप कर दो, 2,500 ये डेस अलाउ हो जाएगा, इसको क्रॉस मार्क किया है, एंड बैलेंस अमाउंट 6,000 इस पर टिक मार्क कर दो, ये अलाउ होगा। ओके, तो हमने ये एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लिया, इसका भी कर लिया। थर्ड वाला है ऑफिस सैलरीज इंक्लूड सैलरी पेड टू मिसेस गणपत बीकॉम राइट्स अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। बोला जो ऑफिस का सैलरी हमने पे किया है उसमें ये जो ओनर है मिस्टर गणपत, उसकी मिसेस वो अकाउंट लिख रही है, उसके लिए उसको सैलरी दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव को सैलरी दे सकते हैं, बट रिलेटिव को एक्सेस सैलरी दिया। रीजनेबल सैलरी जो होता है, जो हम लोग आउटसाइडर को पे करते हैं, और वही काम के लिए अगर किसी रिलेटिव को अपॉइंट किया है और उसको एक्सेस सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सेस अमाउंट डिसअलाउ होता है। इसमें कुछ एक्सेस अमाउंट के बारे में बोला नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि जो पे किया है वो रीजनेबल अमाउंट है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा सैलरी में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 2,500 फॉर एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर ऑफ पोलिटिकल पार्टी। पोलिटिकल पार्टी का जो सोवेनियर होता है उसमें अगर हमने एडवर्टीजमेंट की है तो वो डिसअलाउड होता है अंडर सेक्शन 37B। तो 2,500 एडवर्टीजमेंट का डिसअलाउ कर देंगे, इस अमाउंट का ब्रेकअप कर दो, 2,500 डिसअलाउ कर दो, रिमेनिंग अमाउंट 6,500 अलाउ हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कंसिडर कर लिया। थर्ड एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आया, इसमें अमाउंट अनरीजनेबल कितना है कुछ बताया नहीं, तो वी विल अज्यूम कि रीजनेबल। फोर्थ एडजस्टमेंट, एक बार हमने एडजस्टमेंट को मार्क कर लिया है, अब हम लोग ये वाले अकाउंट्स में आके हर एक आइटम को एनालाइज करेंगे, वो इनकम है, अगर इनकम साइड का है तो अलाउएबल है, मतलब बिजनेस का इनकम है तो टिक मार्क करेंगे, बिजनेस का नहीं है तो क्रॉस मार्क करेंगे। और एक्सपेंस साइड में हम लोग को क्या चेक करना है, बिजनेस का जेन्युइन एक्सपेंस है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे, अगर वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है उसको डिस अलाउ कर देंगे, क्रॉस मार्क करेंगे। लेट्स सी, पहले इनकम साइड देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बिजनेस का ही इनकम होता है, तो इसमें मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम तो है लेकिन अदर सोर्सेस में जाता है, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, ये भी इनकम है लेकिन ये इनकम अदर सोर्स में जाता है, तो हटाओ इधर से, हमें बिजनेस इनकम फाइंड आउट करना है, तो अदर सोर्स की इनकम यहाँ से हटा दो, निकाल दो।
रिफंड ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ये इनकम ही नहीं है, ये हमने टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया था वो एक्सेस टैक्स था, तो रिफंड आ गया, तो हमारा ही पैसा हमको वापस आया, ये इनकम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हटा दो इधर से, इनकम नहीं है ये। ओके, तो सिर्फ एक ही इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी ये तीन जो क्रेडिट साइड में आया है ये बिजनेस का इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है, उसको हमने क्रॉस मार्क कर दिया। नाउ कम टू द डेबिट साइड, एक्सपेंसेस के बारे में हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक्सपेंस बिजनेस का है तो उसको हम अलाउ कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, बिजनेस का नहीं होगा तो क्रॉस मार्क कर देंगे। चेक करो ऑफिस सैलरी, ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है उसको सैलरी देना पड़ता है, बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउड, टिक मार्क कर दिया। जनरल एक्सपेंस का हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर रखा है, इसमें 2500 को क्रॉस मार्क किया है, बाकी 6000 अलाउड है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ होता है, बिकॉज ये जो ओनर है मिस्टर गणपत, ये बिजनेस कर रहा है, तो इस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो उसका इनकम है, तो उसको बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, उस पर इंटरेस्ट जो ले रहा है वो, ये डिसअलाउ हो जाएगा। बैड डेट रिजर्व, अगर ये बैड डेट होता तो हम लोग इसको अलाउ कर देते, बिजनेस में बैड डेट होते रहता है तो वो नॉर्मल बात है, उसको अलाउ करेंगे, बट ये रिजर्व है, रिजर्व मतलब एक्सपेंस एक्चुअल में हुआ नहीं है, उसके लिए प्रोविजन बना रखा है, तो प्रोविजन आर नॉट अलाउड। ओके, तो इसको डिसअलाउ कर दो, क्रॉस मार्क कर दो, ये रिजर्व की वजह से हमने इसको क्रॉस मार्क किया, अगर खाली बैड डेट लिखा होता तो अलाउ कर देते। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात हमने पहले ही कर ली, ये एज पर बुक्स होता है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ना इसको बोलते हैं एज पर बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इधर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट बोला है ये एज पर इनकम टैक्स है, एज पर इनकम टैक्स। देन इसके बाद एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आया था, 2500 का उसने पोलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में डाल दिया था, तो उसको डिसअलाउ किया, बैलेंस अलाउड। देन कम्स फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बिजनेस में हमें कई बार फायर से प्रोटेक्शन के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लेना पड़ता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका जो प्रीमियम पे किया बिजनेस एक्सपेंस है, इसको अलाउ कर देते, टिक मार्क कर दिया। ओके, देन डोनेशंस, डोनेशंस जनरली बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है, हाँ अगर सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए दिया है तो वो अलाउ होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन बोला नहीं, ये साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए है, तो ये इसको हम लोग जनरल डोनेशन मान के डिसअलाउ कर देंगे। एडवांस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिसअलाउ, इनकम टैक्स दिया हो, टीडीएस दिया हो, एडवांस टैक्स दिया हो, ये सब डिसअलाउ करें, क्योंकि हमें टैक्स ही तो कंप्यूट करना है, तो पहले से दिया है, और वैसे ये टैक्स को डायरेक्ट टैक्स को पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट करते हो, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, डिसअलाउ। जीएसटी पेड, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी को टिक मार्क कर दो, अलाउ कर दो। इनकम टैक्स 2022 का टैक्स, इनकम टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, टीडीएस हो, ये डिसअलाउ होता है, क्रॉस मार्क किया। नेट प्रॉफिट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट होगा। ओके, अब ये वाले जो मैं क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पीएनएल अकाउंट दिया होता है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया होता है उधर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, यू विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, ये वाला फिगर से स्टार्ट करोगे, इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, वो ऐड लेस करके हम लोग, मतलब हमने नेट प्रॉफिट को ही एडजस्ट कर दिया, एडजस्टमेंट करने के लिए हमने मार्किंग की है, अलाउड डिसअलाउड। सो देखना इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, एक बार आपने मार्किंग कर ली तो सोल्यूशन विल बी वेरी इजी, सीधी सोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके, सो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट एज पर पी एन एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एन एल अकाउंट, और याद रखना इनडायरेक्ट मेथड में ना हम लोग जो क्रॉस मार्क आइटम है ना वो एड लेस करते हैं, डायरेक्ट मेथड में टिक टिक मार्क वाले मार्किंग जो किया रहता है टिक टिक वाले आइटम्स कंसिडर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में क्रॉस मार्क किया है ना जो जो आइटम पे हमने क्रॉस मार्क किया है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मार्किंग इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 69,000। इसमें क्या करो, सबसे पहले ऐड करो डिसअलाउड एक्सपेंस, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस। डिसअलाउड एक्सपेंस तुमको कहाँ मिलेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बट डोंट राइट इन एग्जाम, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में जो क्रॉस मार्क वाली आइटम है ना, वो कंसिडर कर लो। ओके, तो देखते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में हमने क्या क्या आइटम क्रॉस मार्क कर रखा है। ऑफिस सैलरी तो अलाउड था, बट ये जनरल एक्सपेंस में 2,500, सो जनरल एक्सपेंस 2,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, इस पर क्रॉस मार्क कर रखा है। सिर्फ क्रॉस मार्क आइटम कंसिडर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। देन आफ्टर दैट बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व ये कितना है 5,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स हाउ मच 15,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट से 2,500, एडवर्टीजमेंट 2,500। देन और किधर क्रॉस मार्क किया है, डोनेशन, डोनेशन 5,000। नेक्स्ट एडवांस टैक्स 4,000। आफ्टर दैट ये हो गया डोनेशन, एडवांस टैक्स, जीएसटी अलाउ है, इनकम टैक्स 3,000। बस ये डेबिट साइड वाले जो भी क्रॉस मार्क है ये हमको सब ऐड बैक करना है। ओके, सो यूज कैलकुलेटर, फाइंड आउट टोटल 2,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, सो टोटल कम्स 40,000। तो ये 40,000 टोटल हमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट में, सो टोटल कम्स 40,000 प्लस 69,000, सो 1,09,000। तो डेबिट साइड का क्रॉस मार्क कंसिडर कर लिया, अब हम लोग क्रेडिट साइड का क्रॉस मार्क कंसिडर करेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं लेस नॉन बिजनेस इनकम, लेस नॉन बिजनेस इनकम। तो जो क्रॉस मार्क आइटम है वो लिखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक अमाउंट इज 4,100। नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी अमाउंट इज, डोर बंद कर बेटा, एप्लीकेशन हैंग हो गया, वन सेकेंड। Just a minute. Yes, so this is the question we are doing. Interest on company deposit. So here interest on company deposit, this amount is given as 7,600.
7,600. Then income tax refund. Income tax refund is there 1,000. ये सब अमाउंट का ऐड करो, बट इसको लेस करना है टोटल से. पहले इसका टोटल फाइंड आउट करो, यूज कैलकुलेटर. 4,100 प्लस 7,600 प्लस 1,000, टोटल कम्स 12,700. ये 12,700 हमें लेस करना है 1,09,000 से, माइनस. सो टोटल कम्स 96,300. टोटल विल बी 96,300. सो नेट प्रॉफिट में हमने डेबिट साइड वाले क्रॉस मार्क ऐड कर दिए, क्रेडिट साइड वाले क्रॉस मार्क लेस कर दिए. अब कुछ अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस है, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है, तो वो ऐड लेस करते हैं. तो इधर कोई अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम का इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट एक आइटम है ये वाला अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो उसको भी लेस कर देंगे हम लोग. सो नाउ लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस. So this is depreciation as per income tax, and this is given as 10,000. So 10,000 हमें less करना. Then we will get final answer. Okay. So after deducting this. 96,300 less 10,000, so answer you can write straight away 86,300. This will be taxable income from business. Taxable income from business. This is your final answer. So this is how you are going to solve the business income when P&L account is given. So you will use indirect method. Your starting point will be net profit as per P&L account. Add less करके answer लाना है, और ये add less का trick है. पहले आप question read करके debit side, credit side, कौन सा item allowed है, disallowed है, tick mark, cross mark कर लो. And ध्यान रखना, जब direct method use करते हैं तो tick mark item consider करते हैं, और जब indirect method से solve करते हैं तो cross mark item को add less करते हैं. That's it. Thank you so much. Bye-bye. Take care.